पुरुषों की बजाय महिलाएं ज्यादा बिजी रहती हैं, क्योंकि महिलाएं घर और ऑफिस दोनों काम को मैनेज करती हैं, जिस मैनेज करना बेहद ही मुश्किल होता है। हालांकि कामकाजी महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन दूसरी की सेहत का खास ख्याल भी रखती हैं, जिसके कारण खुद ही इतनी बड़ी बीमारियों को अपने शरीर में न्योता दे बैठती हैं। लेकिन आज हम आपको सेहतमंद रहने के बारे में कुछ टिप्स बताएंगे, जिसे अपना कर आप बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, साथ ही फिट भी नजर आएंगे। आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि कैसे आप अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये टिप्स आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डेली रूटीन में बदलाव करने की जरूरत है, यानी इन टिप्स को अपनाने की जरूरत है। नंबर वन, इसके लिए आप सबसे पहले खुद को एक्टिव रखना ना भूलें। यानी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस की कुछ आदतों को बदलना होगा, यानी आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, साथ ही लगातार कंप्यूटर पर बैठकर कार्य ना करें, बीच बीच में कंप्यूटर से ब्रेक अवश्य लें। ऐसा करने से आपकी सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है। नंबर टू, अगर आपको बीच बीच में कुछ खाने की आदत होती है तो इसके लिए आप बाहर की जंक फूड्स की बजाय घर का बना हेल्दी चीजों का सेवन करना ना भूलें, या फिर आप मूंगफली, नट्स और फलों का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर थ्री, आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए आप सुबह के समय एक्सरसाइज हमेशा करें, या फिर इसके लिए आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। इससे आपका पूरा दिन ताजगी भरा रहता है और आप सेहतमंद बने रहते हैं, साथ ही आप तनाव मुक्त भी रहते हैं। नंबर फोर, अक्सर आप सुबह के समय जल्दी में होने के कारण नाश्ता नहीं कर पाते हैं। बेहतर होगा आप सुबह नाश्ते की जगह दूध या फ्रूट्स जूस का सेवन अवश्य करें। ऐसा करने से आप हेल्दी बने रहते हैं। इसके अलावा अक्सर महिलाएं रात के भोजन का सेवन सुबह के समय करती हैं, तो आप इस गलती को ना दोहराएं। इससे आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है, या फिर ताजा खाना बनाकर उसका सेवन करें। अगर आप अपनी दैनिक रूटीन में इन चीजों पर ध्यान देंगी तो आप सेहतमंद बनी रहेंगी। Student Health Tech से लाने की रिपोर्ट।